जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। क्या हुआ? क्या हुआ? तो आज तो अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। तू क्या हुआ शॉक? जल्दी रिक्शा लेके आ। कम ले, जल्दी पानी लेके जल्दी वहां से। भैया ऑटो घुमा के रखना जल्दी। बाबा 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 रिक्शा आ गया, जल्दी चलो। अरे क्या हो गया उछल ताई को? मुझे लगता है तबीयत ताई की ज्यादा खराब है, तभी ऐसे लेकर के गए। पुकी देख बच्चे, मामा क्या लाई है अपने मफिन के लिए। मेरी रसमलाई ने सुबह से कुछ खाया नहीं है ना। चला आजा देख, मम्मा ने ना अपने हाथों से स्मोक चिकन सैंडविच बनाया है पुकी के लिए, और चिप्स भी हैं और केचप भी। पुकी लव्स ऑल दिस ना, ये तो पुकी का फेवरेट है। नीतू, मैं कमला माँ के बिना कुछ नहीं खाऊंगी, ओके? पुकी, मैं तेरी माँ हूँ समझी। उस एहसान फरामोश कमला की परवरिश में ना तू भी बिल्कुल वैसी हो गई है। उस आया के लिए हमने इतना कुछ किया और उसने हमें धोखा दिया। अब क्या करें हम? खुशामद करें उसकी? नहीं, क्या चाह रही है तू? तू बोल ना, वो धोखेबाज चाहिए तुझे? ओके, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए कमला माँ। बहुत हो गया बस, कहना मान ले पुकी, वरना तेरी कमला इस घर में नहीं आने वाली है। इस बात को मान ले तू एंड बिहेव योरसेल्फ, नहीं तो कल ही ना मैंने तुझे बोर्डिंग स्कूल भेज देना है। समझ में आया? I've had enough of your nonsense. कि मामा loves you ना बच्चा, पर अब क्यों मामा को परेशान कर रहे हो? अच्छा sorry, नहीं भेजूंगी आपको बस। लेकिन बच्चा आप ना मम्मा को मजबूर कर रहे हो, मम्मा क्या आपको झूठ बोलेगी? अच्छा चाहो तो आप पापा से पूछो, कमला ने ना हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है बच्चा, हम कैसे उस पर फिर से ट्रस्ट कर लें? और ना कमला को आपकी जरा सी भी फिक्र है नहीं। चलो ठीक है, मैंने उसे काम से निकाल दिया, लेकिन उसको आपकी फिक्र होती तो एटलीस्ट आके एक बार आपको बाय बोल। कमला मां धोखेबाज नहीं है नीतू, अगर वो नहीं आई तो कोई खास कारण होगा। तो मुझे कमला माँ के अगेंस्ट भड़काने की कोशिश मत करो। हाँ, अब पापा और पाखी का टाइम स्टार्ट होता है। यस माय स्वीटहार्ट, तुम मुझसे नाराज होगी ना? पापा ने कल तुमको डांट दिया था ना? I'm sorry, बेटा। मेरे पास ना एक बहुत सॉलिड प्लान है। इसमें बहुत सारी शॉपिंग भी है, एक लॉन्ग ड्राइव भी है, बहुत सारी आइसक्रीम भी है। What do you say? सिर्फ पापा और पाकी। Let's go. नहीं पापा, मेरा मूड नहीं है जाने का। पाकी? Okay. I hope that Kamala rots in hell. मेरी बच्ची का जीना आराम करके ना वो कभी भी ठीक नहीं रह पाएगी, नेवर। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है? ये मुझे डेंगू का केस लगता है। इनका ब्लड टेस्ट करना होगा, वो टेस्ट यहाँ नहीं हो सकता, क्यों? इनकी हालत बहुत सीरियस लगती है, इसे बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए, वहां इनका इलाज भी अच्छे से हो जाएगा। ओ कमला, तू घबरा मत, अपन बड़े अस्पताल चलेंगे। हाँ जल्दी चलेंगे, और फिर ठीक हो जाएगी।
9:05 हो गए हैं। आज मैं पुक्की को घर नहीं बैठने दे सकती, स्कूल भेजना ही होगा। पुक्की चलोगे रेडी स्कूल जाने का? पुक्की पुक्की बाथरूम में भी नहीं है। पुक्की कमला माँ What is this बच्चा? चल आउट, कम ऑन आउट एंड गेट रेडी। बहुत हो गया ये पागलपन, अब स्कूल जाना है पुकी। मैं तुझे ऐसे घर पे नहीं बैठने देने वाली। चलो पुकी एक आया के लिए ऐसे तुझे स्कूल बंक नहीं करने दूंगी मैं, ठीक है? हाँ जया। नो यार नहीं, मैं नहीं आ सकती। आई नो, लेकिन ओके ठीक है। अच्छा ठीक है, गिव मी अना। हाँ मैं फौरन निकलूंगी, लेकिन पहुंचने में तो टाइम लगेगा ना। चल ठीक है, ओके बाय। मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी, पुकी को ना स्कूल भेजना है आज ना, इसे स्कूल नहीं बंक करना है। वो मुझे ना एनजीओ की मीटिंग में जाना है, 2-3 डिसीजन पेंडिंग है, तो सारे फैसले आज लेने ही हैं किसी भी तरह से। सब वेट कर रहे हैं मेरा। अनीतू सारे फैसले तुझे आज ही करने हैं, मतलब अभी यहाँ। मम्मी जी मैं कोई पार्टी करने नहीं जा रही हूँ वहाँ पे, ये भी मेरा काम है। और फैसले लेने ना मुझे गरीब लाचार लोगों की मदद के लिए, जो बेचारे तूफान की चपेट में आके ना बर्बाद हो गए, मर जाएंगे तब फैसले लूंगी क्या मैं? जरूरी नहीं होता ना, तो मैं भी अपनी बेटी को इस हाल में छोड़ के नहीं जाती। ठीक है नीतू जा, जरूरी फैसले करके आ, मैं भेज दूंगी अपनी बच्ची को, चिंता मत कर। ठीक है। बाकी बेटा इधर आ। बेटू अच्छे कैसे घूम रहे हैं? तैयार हो जाओ, सुबह से आपने कुछ खाया भी नहीं है? मैं कुछ लेके आती हूँ बेटा। दादी। हाँ बेटा। मुझे कमला माँ चाहिए। हे भगवान, ये क्या कर बैठे कमला भाई, ऐसे कैसे चलेगा हम सबका जीवन? और बता क्या हाल है? बड़ा चल रहा है यार, कर रहे हैं बैठे, क्या कर रहे हैं वैसे भाई साहब? हाँ देखते हैं यार। ऐसा वो पर्ची काट देते तो मैं अपनी पत्नी को भर्ती करा देता। देखो हाँ मैं बात करी तू उससे, एक बार मना कर दिया है, मजा नहीं आया। अरे फोन को मार, रख फोन, समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या बात कर रहा है, इतनी देर से बोल रहा हूँ, ये सरकारी अस्पताल है, यहाँ टाइम पास करने बैठा है? मेरी पत्नी की हालत खराब होती जा रही है और तू फोन पे लगा है? लोग कहते पहले आया तो लाइन लग गया, पर्ची काटो। अरे लाइन काटने का शौक नहीं है, इमरजेंसी केस है। आप देखो मेरी बीबी की हालत पहले आ। पर्ची काट करना जल्दी। हां मैं कल तेरा कर लाता हूं। तुझे समझ नहीं आ रहा, नफड़ा करना है क्या तुझे? वो तेरे से पहले खड़े हो यहां पे? अरे तो खड़े क्या, पेशेंट पर खड़ा है कि ये लाइन भड़का है? सिस्टर सिस्टर बोलिए ना, पर्ची काटेगा, मेरी बीबी की हालत बहुत खराब हो रही है। आप एक काम करिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाइए, क्योंकि यहाँ पर जगह खाली नहीं है और डॉक्टर भी दो ही है। चलो भाई साहब चलो, जा 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 उधर बात। हे कमला तू घबरा मत, और जल्दी से बड़े अस्पताल चलेंगे और तू एकदम ठीक हो जाएगी। नहीं बच्चा, बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे। क्या पैसे लगेंगे, तुझसे बढ़कर है क्या पैसे? वो मैं सब देख लूंगा, तू उसकी चिंता मत कर। चल पक्के हाथ पर कढ़ाई का।
मिले बेटू। पाखी तैयार हो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।